Hello YouTube, this is lifenextdoor.com. Stay slim, healthy and hot. स्लिम होना सिर्फ दिखने के लिए ही नहीं बल्कि आपकी पूरी हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है। स्लिम होने से पहले अपनी बॉडी के बारे में अच्छी तरह से जान लीजिए। आपके वेट, आपका हाइट, आपकी बॉडी फ्रेम और आपका बॉडी टाइप। आप बॉडी मास वेट भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि आप अंडर वेट हैं या फिर ओवर वेट। वैसे नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स रेंज 18.5 से 24.9 के बीच होती है। सो अगर आपको स्लिम, हॉट और हेल्दी दिखना है तो अपनी रेगुलर लाइफस्टाइल में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ले आइए हमारी हेल्दी टिप से। स्टॉप ईटिंग व्हेन योर बेली इज 80% फुल। जब आपका पेट 80% भर जाए तो ओवर ईटिंग को प्लीज अवॉइड करें। खाना तभी खाएं जब आपको भूख लगी हो, बोर होने पर या अकेले रहने पर खाना ना खाएं। बेवरेजेस और कॉफी को अवॉइड करें क्योंकि इससे कैलोरीज बढ़ती है। और सोने के 3 या 4 घंटे पहले ही अपना डिनर कर लीजिए। कीप एन आई ऑन पोर्शन साइजेस। आपकी प्लेट की साइज और खाना कितना ले रहे हैं उस पर स्पेशली ध्यान दें क्योंकि यही डिसाइड करेगा आपके बेली का साइज। पैक्ड फूड को अवॉइड करें। डिटॉक्स ड्रिंक्स। गर्म पानी में नींबू का रस मिलाकर पीने से भी मोटापा जल्दी ही घटता है। आप डिटॉक्स स्मूदीज भी पी सकते हैं। अल्कोहल बेवरेजेस और सिगरेट स्मोकिंग को अवॉइड करें। गेट ऑफ द काउच। फिजिकल एक्टिविटीज करना बहुत जरूरी है जैसे साइकिलिंग, स्विमिंग, एरोबिक्स, डांसिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, रनिंग और जॉगिंग। और डेली रूटीन में भी एलिवेटर या लिफ्ट की जगह आप स्टेयर्स यूज करें ताकि आप जल्दी ही स्लिम और हेल्दी हो जाएं। ईट अ हेल्दी ब्रेकफास्ट। रोजाना हेल्दी ब्रेकफास्ट कीजिए जिसमें हाई प्रोटीन स्मूदी, बॉइल्ड एग्स, कॉटेज चीज या फ्रूट्स, ग्रीक योगर्ट, फोर्टिफाइड सीरियल मिल्क के साथ या फिर फाइबर रिच फूड्स जैसे ओटमील, सैंडविचेस, होल ग्रेन ब्रेड और आप कॉफी को ग्रीन टी से रिप्लेस कर लीजिए तो आप जल्दी ही स्लिम हो जाएंगे। आइडेंटिफाई योर हंगर। कुछ लोगों की बॉडी को ना पानी की जरूरत होती है पर वो लोग कुछ ना कुछ स्नैक्स खा लेते हैं, इससे भी मोटापा पड़ता है। हेडेक होना एक सिम्टम है जो बताता है कि आपकी बॉडी को पानी की जरूरत है। फैटी फास्ट फूड। जंक फूड सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मोटापा बढ़ाने की, तो आप सोडास को स्किप कीजिए और लेमनेड, ग्रीन टी और हर्बल टी पीना चालू कीजिए। आप चाहें तो फ्राइज में योगर्ट, फ्रूट्स और सैलेड भी मिला लीजिए। स्ट्रेसलेस। जब हम बहुत स्ट्रेस लेते हैं तब भी हमारा वेट बढ़ता है। जी हाँ, तो इससे अच्छा है कि आप डीप ब्रीदिंग करें, योगा कीजिए और मेडिटेशन कीजिए या फिर आप ऐसे प्रोडक्ट्स लें जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हो जैसे कि ओटमील, आलमंड्स, एवोकाडोस, ऑरेंजेस, बेरीज, होल ग्रेन, स्पिनच, स्किम मिल्क और योगर्ट। ये स्ट्रेस से फाइट करने में आपकी हेल्प करेंगे और आपका वेट बढ़ेगा भी नहीं और आप साथ ही साथ रिलैक्स भी हो जाएंगे। गेट प्रॉपर स्लीप। नींद पूरी ना होने पर भी वजन बढ़ता है तो सोने से पहले आप चाहें तो हॉट शावर ले सकते हैं, किताबें पढ़ें या फिर मेडिटेशन करें ताकि आपको नींद अच्छे से आए और साथ ही साथ आप रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट में रहें। टीवी, मोबाइल को अवॉइड करें सोने के पहले और सोने और उठने का फिक्स शेड्यूल कीजिए ताकि आप हेल्दी रह सकें। गेट रेगुलर मेडिकल चेकअप्स। एकदम से वेट बढ़ने के बहुत सारे कारण होते हैं जैसे डायबिटीज, हाइपोथायरॉयडिज्म, मेनोपॉज, डिप्रेशन, कुशिंग सिंड्रोम या फिर एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी साइकोटिक्स, हाई ब्लड प्रेशर मेडिकेशंस, डायबिटीज मेडिकेशन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेने से भी वेट गेन होता है और साथ ही साथ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। सो डॉक्टर से सबसे पहले कंसल्ट करें और अपना मेडिकल चेकअप करवाते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा की जगह कुछ ज्यादा अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।